विद्यार्थियों, स्वागत है आपका मयूर नोबल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ओर से संचालित ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेस पर। विद्यार्थियों, रक्त और जो हमारा पाठ है प्रतिरक्षा और रक्त समूह, इस पाठ के अंतर्गत आज जो हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है रुधिर वर्ग का आनुवंशिक महत्व। इसलिए जो हमने पिछला वीडियो था उसमें हमने रुधिर वर्ग के बारे में समझा था, आज हम समझेंगे कि जो रुधिर वर्ग इसका आनुवंशिक महत्व अर्थात वंशागति में इसका क्या महत्व है, इसके बारे में हम आज हम समझेंगे जानेंगे। तो जो रुधिर वर्ग है, कॉल लैंड स्टीनर ने जब सबसे पहले रुधिर वर्ग के बारे में बताया था तो इन्होंने कहा था कि जो आरबीसी की सतह पर जो प्रतिजन उपस्थित होता है इसी के आधार पर रुधिर वर्ग का निर्धारण होता है। प्रतिजन ए है तो रुधिर वर्ग ए है, प्रतिजन बी उपस्थित है आरबीसी की कणिका पर तो रक्त समूह जो होगा बी कहलाएगा। यदि प्रतिजन ए और बी दोनों उपस्थित है तो उस रुधिर वर्ग को हम ए भी कहते हैं, और यदि प्रतिजन नहीं पाया जाता तो उस रक्त को, उस रुधिर को हम ओ समूह कहते हैं। तो ये जो प्रतिजन की उपस्थिति और अनुपस्थिति एक जीन के द्वारा नियंत्रित होती है, एक जीन के द्वारा इनका निर्धारण होता है। एक जीन की करीब तीन युग्म विकल्पी पाए जाते हैं। इन तीन युग्म विकल्पियों में जब आपसी तालमेल होता है तो उसके आधार पर रक्त समूह का निर्धारण होता है। तो जो तीन युग्म विकल्पी होते हैं उनसे छह प्रकार के अलग अलग जीन प्रारूपों का निर्माण होता है। सबसे पहले बात करते हैं, जैसे जो रुधिर वर्ग ए होगा उसका जो जीन प्रारूप होगा आई ए और आई ए, समयुग्म जीन प्रारूप होगा। इसी प्रकार से आई ए और आई ओ, जिसे हम कह सकते हैं विषम युग्म जी और प्रभावी जीन इसमें उपस्थित है। इसी प्रकार रुधिर वर्ग जो बी होगा इसका जीन प्रारूप पहला होगा आई बी और आई बी, दूसरा होगा आई बी और आई ओ। इसी तरह से रुधिर वर्ग जो ए बी है उसमें केवल एक ही प्रकार का जीन प्रारूप बनता है आई ए और आई बी। रुधिर वर्ग जो ए है उसमें भी केवल एक ही प्रकार का जीन प्रारूप बनता है आई ओ और आई ओ। ये समयुग्मजी अप्रभावी जीन युग्म विकल्पी का परिणाम होता है रक्त समूह ओ। अब इसका आनुवंशिक महत्व किस प्रकार से, जैसे कि किसी चिकित्सालय में एक समय में दो अलग अलग दंपति के संतान हुई, एक के लड़का हुआ और एक की लड़की हुई, लेकिन हॉस्पिटल की गलती से जिसके लड़का था उसके बेड के पास में लड़की को रख दिया, संतान को रख दिया, और जिसके संतान जो पुत्र हुआ था उसके स्थान पर पुत्री को रख दिया। कुछ समय बाद जब घर वालों को पता चलता है तो घर वाले क्या करते हैं, उस पुत्र पर दोनों ही अपना अधिकार जमाते हैं। तो उसका फैसला जो है फिर वो रक्त समूह के द्वारा किया जाता है। तो जैसे कि लड़के का जो, उस बालक का जो रक्त समूह है वह ज्ञात किया वो बी आया। प्रथम जो दंपति है उसके अंदर जो पुरुष है उसका रक्त समूह ओ है और जो स्त्री है इसका रक्त समूह ए बी है। दूसरी दंपति जो इस लड़के पर अपना अधिकार जता रही है उसमें पुरुष का रक्त समूह ए और स्त्री का जो रक्त समूह है वह ए बी आ रहा है। तो किस तरह से पता चलेगा कि यह लड़का इन दोनों दंपति में से किसका होगा, तो हम इसको याद कर सकते हैं मेंडल के नियम की तरह। तो सबसे पहले जैसे कि पुरुष और इधर हमने लिखा स्त्री, यह पहली दंपति है। अब पहली दंपति के अंदर जो पुरुष है इसका रक्त समूह है वो है ओ, तो आई ओ और इधर हम लिखेंगे आई। इसमें जो जीन प्रारूप है एक ही प्रकार का है। स्त्री है तो इसके अंदर जो जीन प्रारूप वो है आई ए और आई बी, ये जनक। अब इन जनक से निर्माण होगा युग्मक का, तो यहां जो युग्मक बनेगा वो एक ही प्रकार का बनेगा आई ओ और इधर बनेगा आई ओ। इधर जो युग्मक होगा वो दो प्रकार की होंगी आई ए और आई बी। अब इनका हम करते हैं निषेचन, तो निषेचन होने के फलस्वरूप उत्पन्न होगी संतान संतति। तो इस युग्म विकल्पी को, इस युग्म को हम इस युग्मक से जोड़े, नर युग्मक को मादा युग्मक से, तो उत्पन्न होगा आई ए और आई ओ।
ये क्या लगी संतति संतान। अब इस युग्मक को हम मादा के युग्मक से संयोजित करें तो आई बी और इधर हो जाएगा आई ओ। अब हम जोड़ते हैं नर के युग्मक को मादा के दूसरे युग्मक से तो आई ए और आई ओ। और इसी तरह से हमने जोड़ा आई ओ को आई बी से तो आई बी और आई ओ। तो यहां देखने से पता चलता है कि जो चार संतति में से दो संतति उसका रुधिर वर्ग वह ए होगा। यहां पर ए रुधिर वर्ग है, इसमें यहां पर रुधिर वर्ग ए है तथा दो संतति ऐसी होगी जिनका जो रुधिर वर्ग होगा वह बी प्रकार का होगा। तो ये पहली दंपति से उत्पन्न होने वाली संतति, उनमें आधी संतति जो होगी वह ए रक्त समूह और जो आधी संतति होगी वह बी रक्त समूह वाली होगी। अब बात करते हैं जो दूसरी दंपति है इनका रक्त समूह और इनकी जो उत्पन्न होगी संतान वो किस प्रकार की होगी। तो दूसरी दंपति को हम देखें तो दूसरी जो दंपति होगी उसको हम चलो यहां पर हम लिख लेते हैं। दूसरी दंपति जिसमें पहले पुरुष और इधर स्त्री। पुरुष अब या पुरुष का जो रक्त समूह है वो है ए तो आई ए समयुग्मजी प्रभावी लक्षण। स्त्री के अंदर है वह बी तो यहां पर स्त्री के अंदर होगा बी और ओ समूह। अब ये जनक पादप इनमें युग्मक का निर्माण होगा, युग्मक बनेंगे। तो यहां जो युग्मक बनेंगे पुरुष के अंदर वह एक समान प्रकार के ही होंगे आई ए और आई ए, जबकि स्त्री के अंदर जो युग्मक बनेंगे दो प्रकार के होंगे बी और इधर ओ। जीन प्रारूप के अनुसार अलग अलग यहां युग्मक बनेंगे। अब हम इनका कराते निषेचन, तो निषेचन कराते हैं। तो पहले इस नर युग्मक का संलयन मादा के दोनों युग्मक से हम कराएंगे। तो यहां से संतान होगी आई ए और आई बी। इसी तरह से इसका हम कराएं आगे संलयन तो आई ए और आई ओ। अब हम दूसरे नर युग्मक हम कराते हैं संलयन तो आई ए आई बी। अब हम इसका कराएं तो आई ए और आयु। तो देखने से पता चलता है कि जो संतति उत्पन्न होगी दूसरी दंपति की उसमें आदि जो संतति उसका जो जीन प्रारूप होगा वो होगा ए बी, और आदि जो संतति होगी उसका जो हम देखें रक्त समूह जीन प्रारूप के आधार पर तो वो ए होगा। इस प्रकार से हमें पता चलता है कि जो पहली दंपति है वही वास्तविक रूप से माता पिता है उस संतान की, उस बच्चे की। इसी प्रकार से रक्त समूह के द्वारा हम आसानी से कोई भी आनुवांशिकता संबंधी समस्या है तो हम उसको निदान कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं अंगदान के बारे में। अंगदान और देहदान क्या होता है? अंगदान तथा देहदान अंग दान एवं देह दान। अंग दान का अर्थ होता है कि किसी जीवित या मृत व्यक्ति के द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को उत्तक या अंगों का दान करना, इस दान को अंग दान कहते हैं। किसी जीवित या मृत व्यक्ति के द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को उत्तक या अंगों का दान करना, इस दान को हम कहते हैं अंगदान। तो जब अंगदान किया जाता है तो जो दान किया गया अंग है वह किसी दूसरे व्यक्ति के शरीर में उसे प्रत्यारोपित किया जाता है, जिससे क्या होता है कि उस व्यक्ति को जीवन को बचा सकते हैं
जीवन को बचाने के साथ ही उस व्यक्ति के जीवन को हम खुशहाल कर सकते हैं। अधिकांश जो अंगदान किया जाता है वो मृत्यु के पश्चात होता है। जो मृत देह होती है उसी मृत देह से अंगों को निकालने के बाद किसी दूसरे व्यक्ति में प्रत्यारोपित किया जाता है। तो अंगदान के लिए देहदान अति आवश्यक है। अभी अंगदान कौन कर सकता है? तो अंगदान यह बालक से लेकर 90 वर्ष की आयु तक के वृद्ध कर सकते हैं। तो जो अंगदान की जो प्रक्रिया है, जैसे कि हमारा जो शरीर है यह प्रकृति की एक अनमोल कृति है। हमारा शरीर पंच तत्वों से मिलकर बना है, अग्नि वायु जल आकाश पृथ्वी। हिंदू धर्म के अनुसार हमारा शरीर पंच तत्वों से मिलकर बना है। यह शरीर नश्वर है, मरने के बाद इसका कोई अस्तित्व नहीं होता। जब तक आत्मा है तब तक इस शरीर का अस्तित्व है। आत्मा के निकलने बाद शरीर का कोई अस्तित्व नहीं। यह शरीर इन पंच तत्व के अंदर पुनः विलीन हो जाता है। तो हम क्या कुछ ऐसा करें जिससे मरने के बाद भी हमारा अस्तित्व बना रहे? तो ऐसा हम कर सकते हैं अंगदान के द्वारा। यदि हम अंगदान करते हैं तो मरने के बाद भी हमारे शरीर के अंग किसी अन्य व्यक्ति के काम आते हैं, किसी न किसी व्यक्ति की जिंदगी को बचाते हैं। तो जो अंगदान होता है यह सात्विक प्रकृति का दान है। हम यदि अपने पुराणों में देखें, प्राचीन कथाओं में देखें, तो प्राचीन कथाओं में हमें पता चलता है कि महर्षि दधीचि, इन्होंने सबसे पहले अपने अस्थियों का दान किया था। जब देवासुर देव और असुरों के मध्य जब संघर्ष हुआ था तो देवराज ने महर्षि दधीचि से अस्थियों का दान मांगा और सहर्ष महर्षि दधीचि ने इंद्रदेव को अपनी अस्थियां दी। तो अंगदान के द्वारा हम किसी व्यक्ति के जीवन को बचा सकते हैं और उसके जीवन को खुशहाल कर सकते हैं और हम अपना जो मरने के बाद भी कहते हैं कि अपने अंगों का जो अस्तित्व है वह रख सकते हैं। भारत के अंदर अंगदान की जो स्थिति है, देहदान की स्थिति बहुत ही विकट है। कहते भारत के अंदर प्रतिवर्ष कई लाख लोग वह अंगों के खराब होने से मारे जाते हैं। अंग जब क्षतिग्रस्त हो जाते, कार्य करना बंद कर देते हैं तो उस व्यक्ति का जो जीवन है वह नरक में हो जाता है, व्यक्ति मर जाता है। तो एक सर्वे के अनुसार पता चला कि भारत के अंदर करीब जो 2 लाख लोग हैं, 2 लाख लोग वह उन्हें गुर्दे के प्रत्यारोपण की आवश्यकता होती है, उनकी किडनी खराब है। और मिलती कितनी है? तो मिलती मात्र 7,000 से 8,000 जो गुर्दे हैं वही मिल पाते हैं। इसी प्रकार से प्रतिवर्ष करीब 50,000 जो लोग हैं वह हृदय प्रत्यारोपण की आस में रहते हैं कि उन्हें हृदय का प्रतिरोपण होगा, दूसरा हृदय उन्हें मिलेगा। लेकिन मिलता कितना है? भारत के अंदर मात्र 10 या 15 व्यक्तियों को ही यह लाभ मिल पाता है। इसी प्रकार भारत के अंदर जो यकृत है, 50,000 लोग वह प्रतिवर्ष कहते हैं कि यकृत की खराबी से मारे जाते हैं। लेकिन मिलता कितना है यकृत? तो यहाँ मिलता है करीब मात्र 700 यकृत ही उपलब्ध हो पाते हैं। ऐसे ही करीब 2 लाख लोग वह अंधता के कारण मारे जाते हैं, नेत्र नहीं मिलने से वह मर जाते हैं। तो मृत शरीर जो है हमारा, कहते हैं कि मानव मृत शरीर, उससे करीब 50 अंगों को हम किसी दूसरे जरूरतमंद व्यक्तियों में प्रत्यारोपित कर सकते हैं। कहते हैं कि जब कोई जानवर मरता है तो उसके शरीर से करीब हम 100 कार्य कर सकते हैं, लेकिन जब इंसान मरता है तो उसके शरीर का कोई काम नहीं आता। तो अंगदान के द्वारा हम अपने शरीर के अंगों को दान में करके किसी दूसरे व्यक्ति को हम जीवन दान दे सकते हैं। तो अंगदान करने के लिए सबसे जरूरी है देह का दान करना, देह दान जरूरी है। अब देह दान के बाद उस मृत देह से उसी मृत देह से अंगों को निकाला जा सकता है जिसकी दिमागी मृत्यु हो, जिसे डॉक्टर ने दिमाग से मृत घोषित कर दिया हो। अभी दिमागी मृत्यु क्या होती है? दिमागी मृत्यु का अर्थ होता है कि डॉक्टर जिसे दिमाग से तो मृत घोषित कर देता है,
लेकिन उसके शरीर के जो अंग होते हैं वह सक्रिय रहते हैं, अर्थात अंगों की क्रियाशीलता बनी रहती है। उन्हें कहते हैं दिमागी मृत्यु, और ऐसा बहुत कम होता है। कहते हैं कि 1000 में से मात्र कम से कम 10 व्यक्ति ऐसे होते हैं कि जिनकी दिमागी मृत्यु होती है। तो जो दिमागी जिनकी मृत्यु होती है उन्हीं मृत व्यक्ति के शरीर से अंगों को निकाल कर आगे किसी व्यक्ति में प्रत्यारोपित किया जा सकता है। तो जो देहदान होता है, देहदान जब किसी मृत देह को दान में दिया जाता है तो उसका उपयोग दो प्रकार से होता है। पहला, यदि उसकी दिमाग की मृत्यु हुई है तो उसके अंगों को निकाल कर किसी दूसरे जरूरतमंद व्यक्ति में प्रत्यारोपित किया जा सकता है अंगों को। दूसरा, उस मृत देह से चिकित्सा शास्त्र जो चिकित्सा अध्ययन कर रहे हैं विद्यार्थी, चिकित्सा शास्त्र का जो अध्ययन कर रहे हैं, जो विद्यार्थी डॉक्टर बन रहे हैं, तो वे विद्यार्थी उस मृत देह पर अपना प्रशिक्षण प्राप्त करके एक कुशल चिकित्सक बनते हैं। तो चिकित्सा शास्त्र ग्रहण करने वाले विद्यार्थियों को अपना प्रयोग करने के लिए, प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए मृत देह की आवश्यकता होती है। उसी मृत देह के ऊपर वो अपना प्रयोग करते हैं और उसी प्रयोग के द्वारा उन्हें सफलता प्राप्त होती है, वो एक अच्छे कुशल आगे भविष्य में चिकित्सक बन जाते हैं। तो इसलिए देहदान आवश्यक है। भारत के अंदर हम बात करें तो ये एक अंधविश्वास है, ऐसी गुरुतियां हैं जिसकी वजह से लोग अंगदान देहदान करने से कतराते हैं। तो भारत के अंदर जो देहदान का प्रतिशत माना जाता है, वह माना जाता है कि जो 10 लाख लोगों में से इसका जो प्रतिशत है मात्र 0.8 है, जबकि विदेशों के अंदर जो इसकी प्रतिशत की मात्रा वो 10 से लेकर 30% लोग वह अंगदान और देहदान करने के लिए इच्छुक है। भारत के अंदर अज्ञानता की वजह से, अज्ञानता, अंधविश्वास, कुरीतियों के कारण लोग इससे घबराते हैं। लेकिन आज समय परिवर्तित हो रहा है, कई सारे जो प्रतिष्ठित लोग हैं वे इसके ऊपर जागरूक हो रहे हैं, इसको आगे बढ़ावा देने के लिए कुछ ना कुछ कार्य कर रहे हैं। तो सरकार के द्वारा 13 अगस्त जो है उसको निर्धारित किया गया है, विश्व अगस्त, 13 अगस्त को अंगदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व अंगदान दिवस जो है, अंगदान दिवस कब मनाया जाता है, तो 13 अगस्त। 13 अगस्त के दिन समाचार पत्र पत्रिकाओं के अंदर विज्ञापन के रूप में लोगों को जागरूक किया जाता है कि देहदान अंगदान करने से कोई नुकसान नहीं होता, किसी दूसरे लोगों का भलाई होता है, एक सात्विक प्रकृति का दान है जिसको हमें करना चाहिए। तो जागरूकता बढ़ाने के लिए 13 अगस्त यह विश्व अंगदान दिवस के रूप में मनाया जाता है, विश्व अंगदान दिवस 13 अगस्त। 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस मनाया जाता है। तो भारत में अंगदान को बढ़ावा देने के लिए कई जो चर्चित व्यक्ति है वह आए, जिसमें से सबसे पहले नंबर पर आता है लक्ष्मी सहगल। लक्ष्मी सहगल वह महिला थी जिन्होंने सुभाष चंद्र बोस के साथ मिलकर आजाद हिंद फौज में कार्य किया। सुभाष चंद्र बोस के साथ उन्होंने कदम मिलाकर कार्य किया। इन्होंने 90 वर्ष की आयु के अंदर अपने नेत्र की कॉर्निया का दान किया, और जिसके कारण दो लोगों का जो जीवन है आज वह उजाले में, जिससे उन्होंने दो लोगों की जिंदगी को बचाया। इसी तरह से आता है साहित्यकार विष्णु प्रभाकर। साहित्यकार विष्णु प्रभाकर जिन्होंने, इनकी मृत्यु के बाद इनके देह का दान किया गया। इसी तरह से पश्चिमी बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री इन्होंने भी अपने देह का दान किया। और इसी तरह से नाना देशमुख, इन्होंने भी मरने के बाद अपने देह का दान किया। तो किन किन ने दान किया, तो हम उसको देखें, लिखते हैं हम इसको। सबसे पहले है लक्ष्मी सहगल जिन्होंने आजाद हिंद फौज के साथ में काम किया। कैप्टन के रूप में थी ये, कैप्टन हम कह सकते हैं, कैप्टन लक्ष्मी सहगल।
जिन्होंने 90 वर्ष की आयु में नेत्र का दान किया, नेत्रदान किया। इसी तरह से साहित्यकार विष्णु प्रभाकर पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्य मंत्री, जिनका नाम आता है ज्योति बसु, इन्होंने भी अपने अंगदान को किया। इसी तरह से समाज सेवी, ये सभी प्रख्यात व्यक्ति थे, नाना देशमुख, इन्होंने भी अपने मृत्यु के पश्चात अंगदान और देहदान को किया। तो ये कुछ ऐसे जाने माने हस्तियां हैं, व्यक्ति हैं, जिन्होंने अपनी मृत्यु के पश्चात अंगदान को किया। दोबारा से हम इसको देख लेते हैं। पहले नंबर पर आता है कैप्टन लक्ष्मी सहगल, यह महिला जिन्होंने 90 वर्ष की आयु में अपने नेत्र का दान किया और जिसके कारण दो व्यक्तियों की जिंदगी में उजाला आया। साहित्यकार, एक प्रसिद्ध साहित्यकार जिनका नाम है विष्णु प्रभाकर, इन्होंने भी मरने के बाद अपने देह का दान किया। पश्चिमी बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री जिनका नाम आता है ज्योति बसु, इनका भी अपना देह दान किया गया। समाज सेवी नाना देशमुख, इन्होंने भी मरने के बाद देह दान किया गया। इसी तरह से वर्तमान समय में क्रिकेटर गौतम गंभीर और साध्वी रितंभरा, क्रिकेटर गौतम गंभीर और जाने माने जो साध्वी है रितंभरा, इन्होंने भी अपने जीवन काल में भी रहते हुए अपने अंगदान और देहदान की घोषणा की है, ताकि लोग जागरूक हो, समझे अंगदान और देहदान का महत्व और जरूरतमंद लोगों की जिंदगी को बचाए। अब आता है कि कौन अंगदान और देहदान कर सकता है। तो अंगदान और देहदान कोई भी कर सकता है, बालक से लेकर वृद्ध तक। यदि कोई बालक अंगदान करना चाहता है या जिसकी आयु 18 वर्ष से कम है, तो उसे अपने माता पिता की, अपने पेरेंट्स की सहमति आवश्यक है। अंगदान करने वाला जो व्यक्ति होता है वह दो गवाहों के साथ में एक लिखित शपथ पत्र है वह चिकित्सा अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करता है, और इसके बाद उसका जो अंगदान है वह देहदान है वो माना जाता है। इसी प्रकार से यदि कोई व्यक्ति जिसने अंगदान नहीं किया है या जिसने अंगदान की घोषणा की है, अंतिम जो फैसला होता है उसी पर होता है कि मरने के बाद वो बॉडी होती है उनके घर वालों पर निर्भर होता है कि वो आगे उसका अंगदान या देहदान कर सकते हैं अथवा नहीं कर सकते। तो भारत में अंगदान और देहदान को बढ़ाने की अभी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, लोगों में इसकी जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है, क्योंकि अंगदान के द्वारा हम किसी दूसरे व्यक्ति की जिंदगी को बचा सकते हैं, हम अपने अंगों का अस्तित्व बना सकते हैं। एक प्रकार का सात्विक दान है जिन्हें अभी करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। इसी टॉपिक के साथ जो हमारा ये पाठ है चौथा, प्रतिरक्षा और रक्त समूह, ये पूरा होता है। धन्यवाद।